मैं दीपक गुप्ता। तो आज का जो टॉपिक है मेरा, ये फोरकास्टिंग के ऊपर है। ये सब मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, ओके। इसको मैंने सब सॉल्व भी किया है, ओके। देखिए, ये सब को मैंने इस तरह सॉल्व किया है। अगर आप पीछे लेक्चर देखोगे मेरा, तो ये सब मैंने सॉल्व किया है, ओके, विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल मेथड, ओके, प्रॉपर वे सॉल्व किया। अभी सेम सम को मुझे सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कैलसी, ओके। अगर आपके पास टाइम कम है, आपको क्रॉस चेक करना है आपको आंसर, तो आप क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ कैलसी आप कर सकते हो, ओके। तो देखते हैं हम लोग किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं बिना एक टेबल बनाए हुए, ओके। मतलब ए बी जो है आपको यहाँ से किस तरह हम लोग फटक से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है मोड में। मोड में आने के बाद आपको आना है स्टैटिक्स में, दैट इज सिक्स। सिक्स में आने के बाद आपका इक्वेशन क्या है, टू वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स एज पर द रिग्रेशन पुट किया। अभी डेटा क्या है मेरे यहाँ पे, डेटा है मेरे यहाँ पे देखिए, फाइव एक्स का जो वैल्यू है वो होगा ये फाइव, ओके। आपको बताया मैंने लास्ट लेक्चर में, फाइव एक्स क्या है, एक्स मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन क्या होगा, इंडिपेंडेंट। और जो सेल हो वॉशिंग मशीन क्या होगा, वो होगा डिपेंडेंट। एक के एक बार में इसका और एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये एक रिग्रेशन एनालिसिस का समय है, ओके, जिसमें कि आपको बोला गया कि एक सर्वे हुआ था, एक कंपनी सर्वे किया, एक्स वाई जेड कंपनी ने, उसने देखा कि अगर सिटी का पॉपुलेशन 5 मिलियंस है, ओके, तो उसका जो वॉशिंग मशीन सेल जो होगा इन थाउजेंड्स में होगा वो कितना है, 20,000। और अगर 7 मिलियन है तो 40,000 होगा। अगर 15 मिलियन पॉपुलेशन है तो 65,000 सेल होगा ऑफ द वॉशिंग मशीन का। उस तरह से इसने कुछ डेटा दिए है, टोटल 6 डेटा दिए है, 1 2 3 4 5 6। और उसने बोला है कि अगर पॉपुलेशन 45 मिलियंस हो गया तो उसका डिमांड कितना होगा वॉशिंग मशीन का, ये आप बताओ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा रिग्रेशन एनालिसिस। तो जो फॉर्म आता है वो होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के फॉर्म में होता है। तो हम लोग करेंगे विद द लोकेलिटी। तो डेटा लिख रहा हूं मैं, तो ये जो डेटा है पॉपुलेशन वो होगा x और जो डिमांड है वो होगा y। तो देखिए मैंने लिखा फाइव, देन सेवन, देन 15, देन 22, देन 27, देन 36 हो गया। देन मैंने x भर दिया ना, ऊपर जाइए और y y फिलअप कीजिए। तो y क्या है, सबसे पहला मेरा 28, देन मेरा 40, देन है मेरा 65, देन है 80, देन है 96, देन है 130, ओके। फिलअप कर दें, सॉल्व कीजिए, इसी दबाइए अभी इसको, इसे आपने इसी दबाया। यहाँ पे आइए ऑप्शन, ऑप्शन में आओगे तो यहाँ पे देखिए डेटा दिया है यहाँ पे, तो आप आगे करोगे तो समेशन, तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करो वन को, तो देखिए कि ये मिलेगा समेशन एक्स, ओके। देखिए यहाँ पे समेशन एक्स कितना आता है, अगर करोगे यहाँ पे वन दबाओगे, समेशन एक्स आया क्या, 112, यस आ गया। देन अगेन ऑप्शन में आइए, अगेन चेक कीजिए समेशन वन को, देन क्या चाहिए, समेशन वाई, देन क्लिक समेशन वाई मतलब तीन, तीन को क्लिक कीजिए, ओके दबाइए, आया 439, ओके आया 439। अब क्या चाहिए, समेशन एक्स का स्क्वायर, अगेन आइए ऑप्शन में, अगेन एरो डाउन समेशन में, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर मतलब दो, कितना आया 2808, आया आंसर 2808। देन क्या चाहिए, समेशन एक्स वाई, अगेन ऑप्शन, अगेन एरो डाउन समेशन वन एक्स वाई दैट इज फाइव, कितना है 10427, आया 10427, ओके। ये डेटा मिल गया। से एग्जाम्पल आपको फॉर्मूला ही पता नहीं, ये जो फॉर्मूला ए और बी का आपको फॉर्मूला भी नहीं पता है, ओके। तो अगेन ऑप्शन में आइए, ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा है थर्ड रिग्रेशन कैलकुलेशन, क्लिक कीजिए थर्ड, आ गया, देखिए दिख रहा है आपको द वैल्यू ऑफ ए 15.07, द वैल्यू ऑफ बी 3.11, द आर रिग्रेशन दिया है 0.99, ओके। तो इस तरह से मुझे क्या मिल गया, द वैल्यू ऑफ ए मिल गया 15.07 और 3.11 विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला, विदाउट यूजिंग द टेबल। एक फटके में मुझे यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट किया और कैलसी ने मुझे बना के दे दिया। जैसे आपको मिल गया मतलब वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में वाई इक्वल टू 15.07 प्लस 3.11 इंटू एक्स, ये मिल गया। तो आप इस सम को सॉल्व कर सकते हैं लाइक अ प्रीवियस इसकी तरह। यहाँ पे क्या करोगे, जस्ट फॉर्मूला आएगा जहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स पुट करोगे 50 मिलियंस, आपको आंसर आएगा 170.57, ओके, थाउजेंड्स में, ये होगा नंबर डिमांड इन थाउजेंड। तो इस तरह से आप यूजिंग द कैलसी इसको सॉल्व कर सकते हो, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।